वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आज के वीडियो में हम हाथ नका लाऊ मजा साडिला इस वाले गाने के बीट सिंक पर 42 सेकंड का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे नोटिफिकेशन को ऑल पे इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो बनाने के लिए जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पे एक प्रीसेट लिंक लगेगी, जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर www.technojay.in सर्च कर लेना है, या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद इस वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, उस थंबनेल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको ऊपर सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट, मिडल में ऑल मटेरियल्स और नीचे सेकी पैक प्रीसेट मिल जाएगी। आप सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकी पैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लीजिए, ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपको इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को सबसे पहले ओपन कर लेना होगा। कुछ इस तरह का हमारा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा हाथ नका लाऊ मजा साडिला ये वाला गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों इसमें कुल 53 बीट्स है, लेकिन दो बीट्स में हमें लिरिक्स ऐड करने हैं तो हमें बचे हुए 51 बीट्स में इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वही टाइमिंग पर आपको लिरिक्स को ऐड करना है, बाकी बचे हुए बीट्स में आप इमेज ऐड कर सकते हैं। दोस्तों लिरिक्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले वाले बीट पर आ जाना है जो कि 9.15 सेकंड पर। वहाँ पर आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने दो आपको लिरिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, ये देख सकते हैं आप दोनों भी, तो ये आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा इनको। दोस्तों सबसे पहले इस वाले पेंजू को ऐड करना है, रेशमा चारे गाने इस वाले लिरिक्स को प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये पहले से हमने फुल स्क्रीन में बनाया है 1080x2340 पिक्सल में, तो इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्कर पर जाना है। इस वाले बटन पर क्लिक करके आप एग्जैक्ट नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद इस इमोजी लिरिक्स पेंज का एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला, उसको कट कर दीजिए। दोस्तों पहला वाला हमारा ऐड हो चुका है, उसके बाद आपको दो बीट छोड़ के यानी कि जाना है 12.02 सेकंड पर। वहाँ पर जाने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और दूसरे बचे हुए हमारे लिरिक्स को ऐड करना है। दोस्तों देखिए कि लाल काले धागे ने इस वाले लिरिक्स को ऐड करना है, इसको भी हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों करने के बाद जो हमारे बचे हुए 51 बीट्स से 51 बीट्स होंगे तो उनमें इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम अनुपमा जो कि साउथ एक्ट्रेस है उनके इमेजेस ऐड करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो मैं इनको ऑल मटर्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। कुल इसमें हमारे 50 से ज़्यादा बीट इमेजेस है, आप एक क्लिक में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपके मोबाइल में सभी इमेजेस एक क्लिक में सेव हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं जिप फाइल को। दोस्तों इमेज को कुछ इस तरह से ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन पर इनेबल कर दिए थ्री डॉट पर क्लिक करके, और जो जिस इमेज का पार्ट आगे ज़्यादा है बिट के आगे उसको कट कर दिए, और जिनका कम है उनको एक्सटेंड करना ना भूले। दोस्तों इस तरह से आगे वाले जितने भी हमारे बिट्स है तो दोस्तों कुल हमें 51 इमेजेस ऐड करनी होगी हीरोइन की, तो आप सभी इमेज को ऐड कर लीजिए। मैं भी सभी इमेज को ऐड करता हूँ और आपको आगे वाला प्रोसेस बता देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेज को वन बाय वन ऐड कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेज को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो दोस्तों आपको जो सेकी पैक प्रीसेट मैंने प्रोवाइड किए है उस वाले सेकी पैक प्रीसेट को ओपन करना होगा। दोस्तों मैं आपको टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि कौन से इमेज पर कौन सा वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, इसलिए आपको वीडियो को काफी ध्यान से देखना होगा। दोस्तों आपको सेकी पैक प्रीसेट को ओपन करना होगा। सेकी पैक प्रीसेट में आप देख सकते हैं चार इमेजेस है, चारों भी इमेजेस में अलग अलग इफेक्ट्स है। पहले वाले इमेज है ओलिरिक्स वाले और बाकी बची हुई तीन इमेज है हीरोइन की, उसमें अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले लिरिक्स वाले पेंज
पे क्लिक करना है, इपिट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी इपिट्स कर दीजिए। दोस्तों इन इपिट्स को कॉपी करने के बाद जो हमने दो लिरिक्स ऐड किए हैं लिरिक्सल पीएनजी, उनमें हमें ये वाला पहला वाला इफेक्ट लगा देना। तो दोस्तों आपको उस वाले इमेज पे क्लिक करना है पीएनजी इमेज पे, और ये वाला इफेक्ट आपको थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारी जो दूसरी लिरिकल पीएनजी है 12.02 सेकंड पर, उसमें भी हमें ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा पहला वाला इफेक्ट सिर्फ इन्हीं दो इमेज में पेस्ट करना है। दोस्तों एक लेने के बाद आपको फिर से एक बार सेकंड पिक प्रीसेट को ओपन करना होगा। उसके बाद जो पहली इमेज है उस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। दोस्तों इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को फिर से एक बार ओपन कर लीजिए। दोस्तों अब आपको मैं टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि कौन से वाले इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक फोटो भी शो होगा, उस फोटो पे मैंने टाइमिंग दिया है, उन फोटो पर आपको पहला वाला इफेक्ट एक यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, वहाँ पर पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है जो ड्यूरेशन लिखी हुई है, उसके बाद सेकंड और थर्ड। तो आप इस फोटो को देखकर भी इफेक्ट्स पेस्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर टाइमिंग भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको सबसे पहले 11.09 सेकंड पर जो इमेज है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक इमेज छोड़कर दो इमेज छोड़कर लिरिकल इमेज भी छोड़कर आपको 13.23 सेकंड पर जो इमेज है इसमें भी हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको 17.18 पर जाना है सीधा, 17.18 सेकंड पर आने के बाद जो इमेज होगी उस पर भी हमें पहला वाला इफेक्ट ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको 18.22, 19.01, 19.09, 19.17, 25.07, 27.14, 30.04, 30.14, 30.22, 31, 31.08, 37.03, 37.11, 37.18, 37.26, 40.13, 41.17, 41.25, इन इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ए हो गया हमारा पहला वाला इफेक्ट सभी इमेज में पेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। यहाँ पर 3 नंबर वाली इमेज होगी उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर देना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेने के बाद जो हमारा मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा कि कौन से वाले इमेज में ये वाला इफेक्ट बेस्ट कर देना। दोस्तों आपको 11.21 सेकंड पर जो इमेज होगी उसमें हमें सबसे पहले वाले दो नंबर वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको जाना है 14.04 सेकंड पर, 14.04 सेकंड पर आने के बाद जो इमेज है यहाँ पर उस पर भी हमें ए वाला इफेक्ट दूसरा वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, तो आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पर फोटो शो करता हूँ, फोटो को देखकर आप इफेक्ट्स पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों 14.04 सेकंड वाले इमेज पे इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको 19.26, 20.29, 21.08, 21.17, 21.27, 22.07, 25.13, 27.21, 32.12, 32.21, 32.29, 33.09, 33.17, 38.04, 39.12, 39.20, 39.28 और 40.05 इन इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको जो लास्ट में बचा हुआ इफेक्ट है वो बचे हुए इमेज में पेस्ट कर देना है, लेकिन मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि ये वाला इफेक्ट आपको कौन से इमेजेस में पेस्ट कर देना है। दोस्तों सबसे पहले आपको 16.13 सेकंड पर जो इमेज होगी, तो दोस्तों इफेक्ट पेस्ट करने के बाद या इमेजेस पेस्ट करने के बाद ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमारा अलर्ट मोशन एप्लीकेशन थोड़ा हैवी हो जाएगा और लैग भी करने लगेगा। दोस्तों आपको 16.13 सेकंड पर जो इमेज है उसमें हमें तीसरा वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये देखिए 16.13 वाली इमेज पे हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। दोस्तों उसके बाद 16.22, 17.02, 17.10, 34.22, 35.01, 35.10, 35.18, 35.27 आपको इमेज भी शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं उन इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों अब ए इफेक्ट पेस्ट होने के बाद सभी इमेजेस में हमारे इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ओवरले इफेक्ट ऐड करना है। तो दोस्तों ओवरले इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर हमने बहुत बार एक ओवरले इफेक्ट वीडियो को यूज़ किया है, आपको ऑल मेटल्स में मिल जाएगा। फिर से एक बार ए वाला ओवरले इफेक्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, तो इस वाले ओवरले इफेक्ट को आपको ऐड करना होगा। ओवरले इफेक्ट को ऐड करने के बाद थ्रेड पे क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देना है, पहले वाले बिट पर जाना है और इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अलाइट मोशन का वाटर मार्क क्यों आ रहा है, तो दोस्तों अभी अभी वीडियो बनाते समय हमारा अलाइट मोशन एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, इसलिए ये वाला लो वाटर मार्क दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद लाइट मोशन का सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ। दोस्तों ये देखिए हमारा ओवरले इफेक्ट ऐड हो चुका है। दोस्तों इसके बाद आपको इमोजी पीएनजी को ऐड करना है, तो आपको व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको एक ओवरले इफेक्ट इमोजी पीएनजी प्रोवाइड की है उसको आपको ऐड करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली ओ वाली पीएनजी है, तो ये वाली पेंज आपको ऐड करनी है। इस वाले पेंज को मैं ऑल मेटल्स में दे दूंगा। दोस्तों ये पहले से फुल स्क्रीन है, अगर आपको इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसको पहले वाले बिट मार्क तक एक्सटेंड करना होगा। दोस्तों ये करने के बाद हमें
एक फायर पार्टिकल जैसा इफेक्ट है दोस्तों, हमें सिर्फ दो इमेजेस में ऐड करना है जो हमारे लिरिकल है वहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाले बिट पर आ जाना है 9.15 सेकंड पर, प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और उस वाले, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला ये फायर पार्टिकल इफेक्ट है। तो ये आपको ऑल मेटल्स में मिल जाएगा दोस्तों, ऑल मेटल्स से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए इस वाले और सॉरी इस वाले फायर पार्टिकल इफेक्ट को आप हमें ऐड करना है ये वाला। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर दो नंबर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करके -90 या +90 डिग्री में रोटेट कर दिए, उसके बाद थर्ड पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पर इनेबल कर देना है। और पहले वाले बीट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिए। सबसे पहले स्प्लिट करने के बाद आपको जो दूसरा हमारा 12.02 सेकंड का पार्ट है वहाँ पर जाने के बाद आपको इसका जो आगे यानी कि पीछे वाला जो इस साइड वाला पार्ट है लेफ्ट साइड वाला उसको कट कर देना है। तो इस तरह से कट कर दिए, उसके बाद सीधा आपको जाना है 13.23 सेकंड पर, वहाँ पर जाने के बाद इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दिए। तो दोस्तों ये वाला हमारा इसमें इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको कट करने से पहले आप ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटन में स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। और इसको भी तो हमने पहले से कट कर लिया है, लेकिन आप कट करने से पहले इसको ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे इसको इनेबल कर देता हूँ। दोस्तों करने के बाद हमें इसमें एक डस्ट पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना है पहले से ही, तो आपको शुरुआत में आना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। और ये वाला डस्ट पार्टिकल इफेक्ट हमने बहुत सारे वीडियो में ऐड किया है दोस्तों, आपको पता ही होगा। इस वाले डस्ट पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको भी -90 डिग्री में रोटेट कर दीजिए, थ्रोड पे क्लिक करके इसे फिर स्क्रीन पर इनेबल कर देना है। और लास्ट में जाना है, और लास्ट में जहाँ पर हमारा सॉन्ग एंड होगा, स्टेटस एंड होगा, वहाँ पर जाने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए और इसको भी ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटन में स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों अब आपको देख सकते हैं आप हमारा पूरी तरह स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आपको इस डस्ट पार्टिकल का जो ओपेसिटी उसको कम करनी है तो कर सकते हैं 70 या 60% तक रख दीजिए, तो हमारा पूरी तरह स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी लोगो ऐड करना है वो लोगो ऐड कर सकते हैं। अब आपको वीडियो को सेव करना है तो आपको सेटिंग के बगल में शेयर लाइक करने दिखाई देगा, वीडियो में जाकर आप वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 720 पिक्सल ही रख दीजिए। और जिनके मोबाइल में 1080 पिक्सल में सपोर्ट करता है होगा एक्सपोर्ट, तो वो कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी हैवी इफेक्ट से इमेजेस से बहुत बड़ा स्टेटस है, इसलिए 1080 पिक्सल में शायद सा नहीं होगा, आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और से बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।